आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के वंशज होने का राजपूत और गुर्जरों के बीच बना गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही समाज इन्हें अपना वंशज बता रहे हैं। इसी विवाद में गिरफ्तार हुए राजपूत समाज के सैकड़ों लोगों की रिहाई को लेकर सर्व राजपूत समाज ने संभागायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि दादरी मूर्ति प्रकरण मामले में राजपूत सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर बताने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जिसमें गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, जिस पर करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह ने कहा है कि दादरी प्रकरण उत्तर प्रदेश करनी सेना के संस्थापक बाबोसा लोकेंद्र सिंह कालवी को जल्दी रिहा करे, योगी सरकार अन्यथा समूचे हिंदुस्तान में अराजकता फैलेगी और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। समूचे हिंदुस्तान के क्षत्रिय दादरी प्रकरण के खिलाफ हुंकार भरेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों मिहिर भोज प्रतिहार की प्रतिमा का अनावरण किया था, जिसका विरोध करने पर बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश के सार में नजरबंद कर दिया गया है, जिनकी रिहाई को लेकर इंदौर में सर्व राजपूत के लोग संभागायुक्त कार्यालय पर एकत्रित हुए और इस कार्रवाई को गलत बताते हुए समाज के लोगों की रिहाई की मांग की। राजपूत समाज के लोगों ने संभाग आयुक्त कार्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपा। राजपूत समाज के पप्पू सिंह ठाकुर, बॉबी सिंह परिहार एवं श्रीमती मनजीत कीर्तिराज सिंह मिटावल ने बताया कि राजपूत समाज के महापुरुष मिहिर भोज प्रतिहार को अन्य समाज ने अपना महापुरुष बताकर विवाद बनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज के लोगों को नजरबंद किया गया है और उन पर झूठे मुकदमे लाद दिए गए हैं। उनकी रिहाई के लिए सर्व राजपूत समाज के लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा और यदि उनकी जल्द रिहाई नहीं की जाती है तो राजपूत समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जर नहीं राजपूत थे वो, क्या पूरा मामला है? मीर भोज प्रतिहार जी के लिए पूरा सर्व राजपूत समाज हम आए हैं कमिश्नर ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए। हमारी यही मान है कि मीर भोज राजा एक महापुरुष थे और उन्हें एक रहना दिया जाए और समाज जाति में न बांटा जाए। और एक और मकसद से आए हमारे करनी सेना के मुख्य संस्थापक कालवी साहब है, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आप लोग बता रहे हैं कि वो राजपूत है और गुर्जर भी बताया जा रहा है, उनको क्या पूरा मामला इसको लेकर क्या कहना चाहिए? हम इतिहास उठा के देख लें, वो हमारे हमने बता दिया राजवंश के राजा थे और यहाँ पर राजनीति के चक्कर में जातिवाद में बांटने के लिए गुर्जर का उन्हें दिया जा रहा है, पर ये हम होने नहीं देंगे, पूरे भारत में उग्र आंदोलन करेंगे। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और ये मामला आज ही क्यों उठ रहा है? हमेशा अगर किसी ने बलिदान दिया है तो सिर्फ एक राजपूत ने दिया है, चाहे आज़ादी के पहले और चाहे आज़ादी के बाद में। और ये जितने भी हमारे महापुरुष योद्धा जो आज से हजारों साल पहले, इतिहास उठा के देख लो कि राजा मिहिर भोज ने कितने साल राज करा, उनके परिवार ने कितने साल राज करा और इन मलिच्छों को कितने साल तक यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में पैर रखने नहीं दिया। इतना बलिदान जिस महापुरुष ने करा, वो राजपूत थे और राजपूत के इतिहास को अगर आप उठा के देखोगे तो वो सारा राजपूत समाज में ये आएगा कि जितने महापुरुष हैं, जो लड़ाकू थे, जो राज करते थे, वो सारे राजपूत थे और उनको आज जाति में बांटा जा रहा है। अभी उनकी जो दो मूर्तियां लगाई गई है जिन पे गुर्जर भी लिखा गया क्या, क्या विरोध है आपका इस मामले? विरोध है कि हम कह रहे हैं कि तुम महापुरुष को मानो, वो उन्होंने सभी जाति के लिए, आज उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। आप लोग यहाँ संभागत कार्यालय आए हैं, ज्ञापन भी आप लोगों ने दिया है, क्या कुछ मांग करते हैं ज्ञापन के माध्यम से? मिहिर भोज प्रतिहार राजपूत समाज के महापुरुष हैं, उनका अभी ग्वालियर में भी उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ और अभी उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। ग्वालियर में भी समस्त राजपूत समाज ने विरोध करा था, चूँकि जब वो राजपूत समाज के गौरव हैं
तो दूसरा समाज उस पर क्यों अपना हक अधिकार जता रहा है, उनके पास क्या आधार है बात करने का? ये सिर्फ नेता नगरी हो रही है। हमारे कालवी जी करणी सेना के संस्थापक उत्तर प्रदेश गए थे घोड़ा पछाड़ी में, कि जहाँ पर ये मीर भोज जी की प्रतिमा का वो कार्यक्रम था उसका विरोध करने उन्हें कि उनके साथ 200 लोगों को नज़रबंद कर दिया गया। समस्त राजपूत समाज उनकी रिहाई की मांग करता है, नहीं तो उग्र से उग्र आंदोलन हुआ जाएगा। और हम लोग समस्त राजपूत समाज गिरफ्तारी से डरता नहीं है। शासन प्रशासन कान खोल कर सुन ले कि महापुरुषों का अपमान और महापुरुषों के साथ ये जो इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है वो समस्त राजपूत समाज किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं, इसके बाद उग्र से उग्र आंदोलन करा जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय कमिश्नर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ जो उन्होंने हमारे राजपूत समाज को समय दिया, हमारे ज्ञापन को स्वीकार किया। ये लड़ाई हमारे महापुरुषों के इतिहास की है। हमारे महापुरुषों ने इतिहास अपने खून से रचा है, उनने बलिदान दिए हैं, और किसी भी तरह किसी भी अन्य जाति के लोग अपना नाम उनके साथ जोड़ रहे हैं ये हम राजपूत समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा मेन मांग जो है वो ये है, सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार परिहारों के वंशज हैं, उनकी प्रतिमा को जिस तरह से ग्वालियर में स्थापित किया गया और उस पर गुर्जर सम्राट लिखा गया ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज दादरी में उत्तर प्रदेश में इसी तरह का एक कार्यक्रम किया जा रहा है जिसको हम सभी राजपूत समाज अपना आंदोलन जान देकर भी ख़त्म नहीं करेंगे और इसको आगे रहेंगे। यहाँ पर एक ज्ञापन भी सौंपा है, क्या कुछ मांग कर रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से? वो छत्तीस समाज की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है कि उसमें उनके किसी पूर्वज का नाम जो है कुछ अन्य के साथ जोड़ा जा रहा है, तो उसके संबंध में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम है, इसको भेज देंगे वहाँ कार्रवाई के लिए।